Hello students, welcome to our YouTube channel MHCET Law 3 Years. Students, there is an important update for everyone who is asking, sir, CAP process ka kya update hai, when the CAP process is starting, theek hai, hume kahan se karna hai, form fill, ye saari cheezon ke regarding ek update main leke aa chuka hu aap sabhi students ke liye. Ek notice issue hua tha kuch dinon pehle, theek hai, in that particular notice, agar aap dhyan se dekhoge, theek hai, yahan pe main notice ka section open karta hu, there I'll select this all. एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दैट हायर एजुकेशन के सारे कोर्सेज के लिए कॉलेज रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर हायर एजुकेशन कोर्सेज ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है. एंड यहाँ पे भी वही सेम नोटिस है, ठीक है, दैट कॉलेज कोर्स वाइज कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल लिंक फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनली फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, ठीक है. एंड ब्रैकेट में दिया गया है दैट नॉट फॉर द कैंडिडेट्स ओनली फॉर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा. इस पर्टिकुलर नोटिस में जो लिखा हुआ है वो आपको क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. पहले तो LLB 3 years का यहाँ पे कैप पोर्टल का जो लिंक होने वाला है वो इस नोटिस पे दिया गया है. ये लिंक को आपको ओपन करना है. यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर साइट, ठीक है. मतलब ये पर्टिकुलर यूजर इंटरफेस आपका ये साल का पोर्टल रहेगा जिसके ऊपर पूरा कैप प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है. अभी के लिए आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक नोटिस सीईटी सेल ने इश्यू किया है 15 तारीख को, विच इज रिगार्डिंग कॉलेज रजिस्ट्रेशन, ठीक है. अभी देखियो इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये चीज भले ही आपके लिए रेलेवेंट नहीं है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग, ठीक है. तो आपका आपका जो क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कैसे और कब कैप प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो आपको समझ में आ जाएगा. तो एक चीज समझिए, जैसे आपको रजिस्टर करना पड़ता है इस पर्टिकुलर कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वैसे ही आपका जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके पहले होता है सारी कॉलेजेस का एक रजिस्ट्रेशन, ठीक है. मतलब हर एक कॉलेज को टाइम दिया जाता है कि आप कॉलेज को रजिस्टर करिए. रजिस्टर कॉलेज हो जाता है उसके बाद यहाँ पे मतलब ये होम का जो सेक्शन आपको दिख रहा है उसके बाजू में आ जाता है एक नया टैब जिसको हम बोलेंगे कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन, ठीक है. तो वंस कॉलेजेस डू द रजिस्ट्रेशन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आपको दिख जाएगा कॉलेज लिस्ट का टैब. वो थोड़े दिनों में अपडेट होगा जैसे जैसे कॉलेजेस रजिस्टर होगा. कॉलेज जब रजिस्टर करता है तो उसको भी एक अप्रूवल लेना पड़ता है. कौन सी अथॉरिटी से? तो मतलब ये पूरा जो सीईटी सेल का अथॉरिटी है उससे. तो ये अथॉरिटी का अप्रूवल आएगा, उसके बाद वो कॉलेज को अप्रूव करके यहाँ पे कॉलेज लिस्ट का जो टैब ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा. बट फिलहाल अभी के लिए जो नोटिस है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा ये मराठी में सर्कुलर देखने को मिलेगा. इट इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट फॉर यू. मतलब आपको क्या करना है इस नोटिस से वो आपका लेना देना नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. इट इज ओनली फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस जिनको अपनी तरफ से एक जो कंप्लायंस है यानी कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करना पड़ेगा. और उसका एक डेट दिया गया है 15 तारीख से लेकर 27 मई तक, ठीक है. मतलब 27th ऑफ मई तक का टाइम सारी कॉलेजेस को दिया गया है वेर इन दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्स विद सीईटी फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एकेडमिक ईयर दैट इज 2024-25, ओके. तो मतलब ये कॉलेज रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है पूरा वेरिफिकेशन का एंड ऑल ये चलेगा 27th ऑफ मई तक एज पर दिस करंट सर्कुलर. तो इसका मतलब है कि जब तक कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपका कैप प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ओके. दैट इज क्वाइट क्लियर एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जब तक कॉलेजेस ही रजिस्टर नहीं होंगी सीईटी सेल के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तब तक आपका प्रोसेस आगे स्टार्ट नहीं होने वाला है. एंड जो 27th का डेडलाइन है दैट प्रोबेबली विल गेट एक्सटेंडेड टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल सारी चीजें होती है. तो इसमें आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग दैट योर कैप प्रोसेस वुड स्टार्ट समवेयर अराउंड मिड जून और लेट्स से आफ्टर 20th जून. आई मे बी रॉन्ग बट इट डिपेंड्स कि क्या होता है. बट राइट नाउ करंटली लुकिंग इन द सिचुएशन इलेक्शन का भी माहौल है, सारी चीजें है. तो अभी खाली कॉलेज रजिस्ट्रेशन का ये जो पर्टिकुलर है चीज वो ओपन किया गया है या फिर सर्कुलर इशू किया गया है. बट फॉर स्टूडेंट्स क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें अभी 15 जून के बाद ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है. बिकॉज दिस प्रोसेस
टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, क्योंकि कॉलेजेस जब अप्लाई करती है बाद में उसका अप्रूवल आता है तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लग जाता है. कुछ कॉलेजेस टाइम पे कर देती है, कुछ कॉलेजेस लेट करती है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत चलता रहता है. ठीक है, सो आई होप यू गॉट योर आंसर रिगार्ड्स टू व्हेन इज द कैप प्रोसेस स्टार्टिंग. व्हाट इज कैप प्रोसेस अगर आपको जानना है तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे पोर्टल के ऊपर. परसेंटाइल का जो एक्सप्लेनेशन है दैट ऑल्सो इज अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एज फॉर दैट वीडियो आपको वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड. ओके, एडिशनली पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जो आप एनरोल कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंगली एनरोल फॉर दैट प्रोग्राम, जिसके अंदर पूरा कैप प्रोसेस के रिगार्डिंग जो काउंसलिंग है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहां पे, एंड यू विल बी मेड फेमिलियर विद एवरीथिंग वन टू वन पर्सनलाइज्ड. ठीक है, तो द फीस फॉर द सेम इज 500 rupees एंड द एंटायर डिस्क्रिप्शन हाउ टू एनरोल क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी सारा डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो डू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी विच इज बीइंग अवेलेबल. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर इट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स कम्युनिटी सो दैट एवरीवन इज मेड अवेयर द रीजन एंड द प्रोग्रेस इन द कैप प्रोसेस विच इज अबाउट टू हैपन इन सम टाइम. Okay, so thank you so much. I hope the information was useful and stay connected to our YouTube channel. Subscribe to it for every such detailed content. Okay, thank you so much.